हेलो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, देखिए भाई लोग, कुछ टाइम पहले मैं पार्ट वन डाला था XUV500 पुश स्टार्ट। गाड़ी में प्रॉब्लम थी, मीटर की प्रॉब्लम दिखाया था मैं। मीटर में जो जो लाइटें आ रही थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो आप सभी भाइयों की दुआओं से, आप सभी भाइयों के आशीर्वाद से मैं आज ये गाड़ी स्टार्ट कर दिया हूँ। और गाड़ी में क्या प्रॉब्लम थी मैं आपको प्रॉब्लम भी दिखाता हूँ, बताता हूँ, और क्या क्या इसमें मैं चेंज कराऊँ वो भी बताता हूँ। सबसे पहले तो गाड़ी का मैं ECM शॉर्ट हो गया था, ECM गाड़ी का चेंज कराऊँ। इसमें ECM आता है 1763। ECM मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी रूफ लाइट कैसे चलती है यार। हाँ, इसमें ECM आता है 1763 फोर सिलेंडर। तो ECM में इसका बिल्कुल शॉर्ट हो गया था, जल गया था अंदर से। ECM चेंज कराऊँ, इसका जो फ्यूज़ बॉक्स आता है बैटरी के पास, वो फ्यूज़ बॉक्स में इसका चेंज कर रहा हूँ। फ्यूज़ बॉक्स भी इसका शॉर्ट हो गया था। फ्यूज़ बॉक्स एक्चुअली बता देता हूँ मैं आपको, सच बताता हूँ, फ्यूज़ बॉक्स में चेंज नहीं कराऊँ, क्योंकि फ्यूज़ बॉक्स इसका मुझे कहीं मिल नहीं रहा था। मिल रहा था तो बहुत महंगा बन रहा था, तो कस्टमर का बजट नहीं था। तो फ्यूज़ बॉक्स में चेंज नहीं कराऊँ। फ्यूज़ बॉक्स के अंदर पैनासोनिक की 1706, 1708, 1803 की रिले आती है, वो तीन रिले मैं इसमें चेंज कराऊँ जो PCB बोर्ड में शोल्डर रहती है। और इसमें एक्चुअल फॉल्ट मैं बताता हूँ आपको, इसमें एक्चुअल फॉल्ट जो भी था, ये यहाँ पे एक फ्यूज़ बॉक्स आता है, फ्यूज़ बॉक्स के अंदर एक ये ECM का फ्यूज़ रहता है। उस फ्यूज़ की पीछे से वायरिंग हल्की सी कट के जॉइंट थी, उस वजह से फ्यूज़ में सप्लाई वगैरह सब आ रही थी, लेकिन गाड़ी क्रैंक नहीं हो रही थी और मीटर में बहुत सारी लाइटें वाइटें आ रही थी। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा आप सही भाइयों के, मैं मोटा मोटा ऊपर बता देता हूँ। मैं इसका डैशबोर्ड खोल के पूरी वायरिंग चेक कर लिया था, वायरिंग को बाहर निकाल के वायरिंग चेक कर लिया था, वायरिंग सब कुछ ओके फ्रेश थी। मेन इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम फ्यूज़ बॉक्स से थी, और जो अंदर यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स आता है, यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स में प्रॉब्लम थी। और बाकी जो दूसरे प्रॉब्लम थी, ECM लगाने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, सामने का फ्यूज़ बॉक्स चेंज करने के बाद भी, बैटरी के पास जो फ्यूज़ बॉक्स रहता है उसको चेंज करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो उन वहाँ सबसे से तो प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बाद से भी और प्रॉब्लम थी। तो जो और दूसरी प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे इसका एक्चुअल फॉल्ट मिला था एक्सीलेटर पैडल के पास, तो वहाँ से प्रॉब्लम थी। तो सो थैंक यू दोस्तों फॉर योर सपोर्टिंग फ्रॉम गुफरान ऑटो केयर।